इस ट्रेलर को देखने के बाद में हर कोई कहेगा कि आखिर क्यों बंटी बबली में जो है अभिषेक बच्चन नहीं थे भाई। माना कि अभिषेक बच्चन जो है अपना टैलेंट बहुत लेट दिखाया और बहुत कम दिखाया उन्होंने, लेकिन जब भी इनको एक दमदार स्क्रिप्ट मिली है और एक अच्छा डायरेक्टर मिला है, इन्होंने स्क्रीन पे आग लगा दी है बॉस। तो चलो अभी बात करते हैं बॉब विश्वास ट्रेलर के बारे में कि ये एग्जैक्टली कैसा ट्रेलर रहा है और इससे आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी बताई जा रही है बॉब बिश्वास। ये बिश्वास का जो एक्सेंट है ना, ये भाई पूरा का पूरा कलकत्ते का एक्सेंट लेकर के आ गए हैं। एक बंगाली कहानी का टच दिखाया गया है और इस कहानी में अभिषेक बच्चन का जो लुक है ना बॉस, टिपिकल वाला बंगाली दिख रहे भाई। मतलब एक ऐसा लुक जिसके ऊपर में इन्होंने मेहनत नहीं की होगी, जस्ट वेट पुट ऑन करना पड़ा होगा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और अपने भाषा को लेकर के इनको शायद काम करना पड़ा होगा। इनके साथ पेयरिंग में दिखाई जा रही है चित्रांगना, जिनको यार देख करके एक बार दिल धड़क सा गया था, अभी देख करके मतलब मन भड़क सा गया है। आखिर ऐसा क्यों होता है, बहुत खूबसूरत चेहरा एक टाइम के बाद बहुत ही। तो भाई कहानी में दिखाया जा रहा है कि बॉब विश्वास जो है अपनी याददाश्त खो चुके हैं और उसे जो है याददाश्त वापस लाने के लिए ट्रीटमेंट दिया गया है। वो ट्रीटमेंट भी काम नहीं आया तो डॉक्टर ने आखिरकार उनको डिस्चार्ज दे दिया है कि जाओ जाकर के अपनी पुरानी यादों के साथ जुड़ो और याद करो कि तुम कौन हो। यहाँ पे चित्रांगना जो है एकदम सिंपल सी वाइफ दिखाई जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से इतनी सिंपल तो कहानी नहीं होगी। वहीं पे दो लोग और आ जाते हैं और उनको आकर के बताते हैं कि वो एक प्रोफेशनल किलर है या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंट है जो कि गवर्नमेंट के लिए सीक्रेटली काम कर रहे हैं और वो लोगों को जो है मार देते हैं। अब उनको जो है वही काम आगे करने के लिए कहा जाता है। सो ये स्टोरी जो है काइंड ऑफ बदला एंड कहानी जो कि विद्या बालन की थी, बिल्कुल वैसे ही लग रही है और आई होप कि बिल्कुल उसी लेवल को जो है जाकर के ये टच कर पाए। इस कंटेंट को लेकर के उम्मीदें ज्यादा इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज, इसका प्रोडक्शन जो है वो रेड चिली की तरफ से किया गया है। रेड चिली जो है अपना पैसा हमेशा डबल करने के लिए ही लगाती है, यानी यह शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस है और गौरी खान का जो है इसमें नाम डाल दिया गया है। अब भले से उनका जो है इसमें कोई योगदान हो या ना हो, लेकिन शाहरुख खान हमेशा अपनी बीवी का नाम डाल ही देते हैं। लेकिन हाँ, गौरी खान का जब भी किसी कंटेंट के साथ में नाम जोड़ा जाता है तो वो कंटेंट के लिए लकी हो जाती है या फिर अच्छे कंटेंट के साथ ही उनका नाम जोड़ा जाता है, आप ऐसे सोच सकते हो। तो इसमें मेन फोकस अगर आपको कहीं पे जाएगा तो वो है अभिषेक बच्चन, क्योंकि इन्होंने अपने लुक्स, अपने एक्सेंट, अपने इनोसेंट वाला अवतार को जो है बहुत ही अलग लेवल से दिखाया है और ऐसा लग रहा है कि कहानी में बहुत ही बड़ी ट्विस्ट आने वाली है। ट्रेलर के अंदर में जितने भी शॉट्स दिखाए गए हैं वो सब के सब कलकत्ते के ही लोकेशन है, भले से वो टैक्सी हो या फिर वो जहां पे वो चल रहे हो या फिर कोई भी जगह दिखाया गया हो। और ये फिल्म को जब डिसाइड किया गया होगा कि पूरी कहानी कलकत्ते की है तो वहां के दिग्गज कलाकार को उठाया जाए, जो कि बंगाली फिल्म में अपना बहुत बड़ा हाथ रखते हैं और इनके वजह से बंगाली फिल्म को जो है ना बहुत हाई लेवल पे माना जाता है। इट्स नॉट लाइक देव जीतन शुभम वाला कहानी, इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, जहां पे जाकर के आपको आश्चर्य प्रदीप या फिर गोयनर बाक्सो कुछ इस तरह की मूवीज में जो टच देते हैं या फिर प्रलय जैसी मूवीज होती, कुछ वैसे कलाकार जो है इसके अंदर में दिखने वाले हैं। सो आई एम डैम श्योर कि Z5 पे आने वाली ये मूवी जो है आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगी। मैं इसी उम्मीद के साथ में इस मूवी के लिए वेट कर रहा हूँ। बाय द वे, आपको ट्रेलर देखने के बाद में आपकी उम्मीदें किस हद तक बन पाई है एंड अभिषेक बच्चन आपको कितने ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे हैं, इस बारे में यार आप कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट एज आई टोल्ड यू। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।